Welcome friends to VITORR classes. Today we are going to start a very important chapter, method of substitution. Right? Integration ka ye bhi ek part hai, method of substitution. Isko bhi hume ekdam acche se dhyan se karna hoga. Theek hai? To chaliye iske hum kuch sawal karte hain. Jitna sawal karenge tab utna hi jaake hamara ye funda clear hoga. Right? तो देखिए कैसे करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सवाल. देखिए इंटीग्रेशन हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इनटू होल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 टू द पावर 20. राइट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 9 टू द पावर 20 डीएक्स. राइट तो इस क्वेश्चन में देखिए हम क्या लेट करेंगे. लेट एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये जो टर्म दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू जेड. राइट तो इसको अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम. इसका अगला स्टेप रहेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स. ठीक है डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ. राइट तो ये हो जाएगा 2x dx. ठीक है 9 तो एक नंबर है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. राइट 2x dx इज इक्वल टू dz. राइट अब देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 टू द पावर 20. ठीक है तो x स्क्वायर प्लस 9 तो z है तो ये हो गया z टू द पावर 20. राइट और ये देखिए एक्स dx भी तो है तो एक्स dx हो गया dz बाय 2. राइट क्योंकि 2x dx इज इक्वल टू dz है तो एक्स dx इज इक्वल टू dz बाय 2 हो जाएगा. राइट राइट ये देखिए अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है z टू द पावर 20 dz बाय 2 इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो 1 बाय 2 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा. z टू द पावर 20 हो जाएगा z टू द पावर 20 प्लस 1 21 by 21. राइट बाहर में 1 by 2 कांस्टेंट है तो ये इनटू 2 हो जाएगा प्लस एक कांस्टेंट. राइट इसको हम अब हम z के जगह पे जो हमने लेट किया था x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू z हमने लेट किया था तो z के जगह पे हम पुट कर देंगे x स्क्वायर प्लस 9 टू द पावर 21 डिवाइडेड बाय 21 इनटू 2 इज 42. राइट प्लस कांस्टेंट. ठीक है देखिए जनरली अब हम मतलब अक्सर सवाल में क्या हम लेट करते हैं. ठीक है फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू हमने z क्यूब अगर लेट कर लिया. राइट तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 1. राइट इज इक्वल टू 3z स्क्वायर dz बाय dx. राइट dx का मल्टीप्लीकेशन इस तरफ होगा तो ये हो गया 2x प्लस 1 होल इंटू dx इज इक्वल टू 3z स्क्वायर dz. राइट कभी कभी हम ये भी दे दिया रहेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा. राइट डिफरेंशिएटिंग हमने लेट कर लिया मान लीजिए x स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा हमने लेट कर लिया तो 2x dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा. ठीक है क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स कर रहे हैं. मान लीजिए हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू 1 प्लस z dx हो जाएगा dx इज इक्वल टू dz. राइट चलिए कुछ सवाल और करते हैं जितना सवाल करेंगे उतना ही क्लियर होगा. ठीक है Our next question is integration of 2x minus 5 divided by x square minus 5x minus 2 into dx. Right? तो अब हम क्या करेंगे? I is equal to integration of 2x minus 5 divided by x square minus 5x minus 2 into dx. तो इसमें हम क्या करेंगे? x square minus 5x minus 2 को z let कर लेंगे. Right? z let करने के बाद हम करेंगे differentiating both the sides. ठीक है? दोनों तरफ differentiate कर देंगे. तो ये हो जाएगा 2x minus 5 into dx is equal to dz. Right? तो अब देखिए ये 2x minus 5 के dx कितने किसके बराबर हो गया? dz के बराबर हो गया. तो हमने put कर दिया. वहाँ पर dz put कर दिया. और नीचे वाला term देखिए x square minus 5x minus 2 is equal to z के बराबर है. तो ये क्या हो गया पूरा form? Integration of dz by z. ठीक है? तो integration of dz by z होता है log z plus a constant. Right? तो log z plus c. अब log z के जगह पे अब हम क्या करेंगे लास्ट में z के जगह पे उसका वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने लेट किया था. राइट तो हमने क्या लेट किया था x square minus 5x minus 2. ठीक है तो ये हो गया log x square minus 5x minus 2 plus एक कांस्टेंट. राइट लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x square dx divided by x cube plus 9. ये root में है root under x cube plus 9. right तो इस question में हम क्या करेंगे x cube plus 9 को z let कर लेंगे. right
अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, राइट। इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, देखिए इस टर्म को डिफरेंशिएट करने पे आएगा 3x² dx इज इक्वल टू dz, ठीक है। 3x² dx इसको डिफरेंशिएट करने पे आया, और इस तरफ हम ddx करेंगे तो dz आएगा, राइट। इस तरफ डिफरेंशिएट करने पे आया 3x² dx, और इस तरफ आया dz, राइट। तो हो गया 3x² dx इज इक्वल टू dz, राइट। तो देखिए अब क्या होगा, ये देखिए x² dx डिवाइडेड बाई √x³ + 9, तो ये ऊपर वाला टर्म हो गया dz, राइट, dz / 3, ठीक है। तो / 3 तो 1/3 कांस्टेंट है, तो उसको हमने बाहर ले लिया, राइट। और √x³ + 9 को हम क्या लिख सकते हैं, x³ + 9 को हमने z लेट किया है, तो ये हो गया √z, राइट। 1/3 कांस्टेंट है, बाहर है, ठीक है। तो इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, z^-1/2 dz, राइट। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा z^-1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करके देखिए, वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, राइट। इंटीग्रेट जब हो जाए तो लास्ट में क्या कीजिएगा, जेड जो आपने लेट किया है x³ + 9 इज इक्वल टू जेड, तो जेड की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, राइट। इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sin x - α डिवाइडेड बाई sin x * dx, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। ये कुछ इस प्रकार है, sin a - b इज इक्वल टू sin a cos b - cos a sin b, ओके। sin a - b इज इक्वल टू sin a cos b - cos a sin b, ये एक फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए sin x - α को इस फॉर्मूला के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, sin x * cos α - cos x * sin α, ठीक है। नीचे में साइन एक्स है, नेक्स्ट वाले स्टेप में हमने ये साइन एक्स से डिवाइड कर दिया ऊपर वाले टर्म को, ठीक है। डिवाइड करने के बाद देखिए क्या आता है, cos α - cot x * sin α dx, ओके। कॉस अल्फा तो ये कांस्टेंट टर्म है, साइन अल्फा भी इस तरफ कांस्टेंट टर्म है, तो ये इंटीग्रेशन के इस तरफ आ जाएगा। हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, डीएक्स का, तो ये हो गया x cos α, ओके। डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, x cos α - अब साइन अल्फा इस केस में कांस्टेंट है, तो साइन अल्फा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। ये हो गया साइन अल्फा, इंटीग्रेट किसको करना है, कॉटेक्स डीएक्स को इंटीग्रेट करना है। कॉटेक्स डीएक्स मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos x / sin x, क्या। तो मैंने आपको कुछ देर पहले एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म बताया था, जब अगर नीचे वाला टर्म को डिफरेंशिएट करने के बाद ऊपर वाला टर्म आ जा रहा है, ये वाला अभी मैंने बताया था ना आपको, इंटीग्रेशन ऑफ f′x / f(x), इसको हम क्या लिखेंगे, log f(x) + एक कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसी तरह आ गया -sin α log sin x, क्योंकि नीचे साइन एक्स है, तो log f(x) - log sin x + एक कॉन्स्टेंट टर्म, ओके। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, तब जाके और क्लियर हो जाएगा। उसी तरह हम देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cot 5x dx दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, cot 5x dx मतलब cos 5x / sin 5x, ठीक है, cos 5x / sin 5x, ठीक है। तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पे कॉस एक्स आता है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पे कॉस एक्स आता है ना, नीचे वाला टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला टर्म आ जा रहा है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। फिर dx ऑफ 5x भी तो करना होगा, ये जो 5x में 5 जो बच रहा है, डिफरेंशिएट करेंगे 5x को तो 5 आएगा, तो वो डिवाइड में नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे डायरेक्टली लिख देंगे, 1/5 log sin 5x + कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसी तरह देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x / 2 dx, ठीक है। तो sec x को हम कैसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, उस क्वेश्चन को करने से पहले ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये हमें याद रखना होगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू
लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मूला होता है ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स का ये फॉर्मूला होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स ठीक है। तो उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स बाई टू डीएक्स जब हम करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा देख, उसी तरह जब हम इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स बाई टू डीएक्स का जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इसको क्या होगा देखिए, ये लॉग सेक एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू ठीक है, और फिर ये जो एक्स बाई टू है इसको जब हम करेंगे तो क्या बचेगा हाफ, तो हाफ नीचे लिख देना है, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हाफ बचेगा ठीक है एक्स बाई टू को, तो उसको नीचे लिख देना है ठीक है, प्लस एक कॉन्स्टेंट टर्म। ओके फ्रेंड्स, अगले प्रॉब्लम करने के पहले ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ठीक है, जो हमें याद रखना है ठीक है, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये एक अलग टाइप का, इस टाइप का फॉर्मूला से अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ठीक है इसको आपको याद रखना एकदम ज़रूरी है इस फॉर्म को ठीक है, ये एक अलग टाइप का फॉर्म है। देखिए क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स ठीक है, अगर नीचे वाला टर्म जो है इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करके, डिफ्रेंशिएट जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ये नीचे वाले टर्म को, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये ऊपर वाला टर्म वैसा आ जा रहा है एफ डैश एक्स ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर ऊपर वाला टर्म मैच कर जा रहा है ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग एफ एक्स प्लस सी राइट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स प्लस सी ठीक है। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं तब जाके और क्लियर होंगे। ओके तो चलिए फ्रेंड्स, इस टाइप के सवाल को हम करते हैं ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x+3 डिवाइडेड बाई x² + 3x+2 इंटू डी एक्स, अब देखिए ये x² + 3x+2 देखिए इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ गया 2x, और 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ गया 3, 2 को डिफ्रेंशिएट करने के बाद आया 0, तो ये नीचे वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करने के बाद आ गया ऊपर वाला टर्म, पूरा मैच कर रहा है। ओके x² + 3x+2 को डिफ्रेंशिएट करने के बाद आ गया 2x+3 ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स के फॉर्म में है, तो इसको हम ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे लॉग, आगे लॉग लगेगा ठीक है, लॉग x² नीचे वाला टर्म को पूरा लिखेंगे x² + 3x+2 प्लस एक कॉन्स्टेंट ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्म को आप देखिए ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, x² + 1 ओके x² + 1 इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद देखिए 2x dx आता है, आता है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे लॉग x² + 1 प्लस सी। ओके नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस वन ओके, तो देखिए ये नीचे वाले टर्म को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करने के बाद ई टू द पावर एक्स ही आता है ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे लॉग ई टू द पावर एक्स प्लस वन प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा। ओके आफ्टर दैट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स ओके, तो देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का आता है कॉस एक्स ओके, और कॉस एक्स का आता है माइनस साइन एक्स ठीक है, तो ये हो गया नीचे वाले टर्म को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला टर्म से मैच कर जा रहा है ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx डिवाइडेड बाई x³+1 ठीक है, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² आएगा, तो जो 3 है 1/3 बाहर, 1/3 बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म होने के लिए वो इसलिए वो बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन की इस तरफ आ जाता है, हम इंटीग्रेट किसको करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स एक मिस्टेक हो रहा था, ध्यान दीजिए इधर देखिए ये x³+1 है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा, 3x² आएगा ना, ऊपर में 3x² नहीं है ठीक है, ऊपर में 3 बनाने के लिए हमें नीचे में 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1/3 से इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे ठीक है, 1/3 से इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया, ऊपर में 3x² है, तो
तो 1/3 3 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या अल्टीमेटली x²dx। ठीक है, तब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/3। अब देखिए ये इस फॉर्म में आ गया है, log x³ + 1, log x³ + 1 नीचे वाले टर्म को हमने लिख दिया, प्लस एक कॉन्स्टेंट। ओके, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको देख के फॉर्म समझ जाना है, ठीक है, तब आप वो सब क्वेश्चन 2 सेकंड या 5 सेकंड में कर डालेंगे। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ tan³x इंटू sec⁴x dx, राइट। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हम tan x को z मान लेंगे, ठीक है, लेट tan x इज इक्वल टू z, राइट। देन वी विल डू डिफरेंशिएशन बोथ द साइड्स। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, अब हमको क्या मिल गया, tan x को डिफरेंशिएट करने के बाद मिल गया sec²x dx, राइट, और इस तरफ आ गया dz। ठीक है, अब इसको देखिए हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, tan³x इंटू sec²x इंटू sec²x dx। ठीक है, sec⁴x को हमने ऐसे तोड़ दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया sec²x इंटू sec²x dx, राइट। अब देखिए ये जो sec²x dx है, sec²x dx, ये dz बन गया, राइट। यहाँ पे tan x इज इक्वल टू z है, तो sec²x को क्या हम लिख सकते हैं, 1 + z²। sec²x को हम लिख सकते हैं 1 + z²। ओके, तो ये इस फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ z³ इंटू 1 + z²dz, राइट। तो यहाँ से हम आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से कंप्लीट कीजिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू log x sin x dx, सॉरी log x नहीं, log sin x dx। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स log sin x dx। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम log sin x को जेड मान लिए हैं, ठीक है, log sin x को हमने जेड मान लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, तो log sin x का हो गया 1/sin x। ठीक है, फिर उसके बाद dx of sin x करेंगे तो क्या आएगा, cos x आएगा। ठीक है, तो ये आ गया cos x। ठीक है, 1/sin x इंटू cos x dx इज इक्वल टू dz, राइट। तो cos x/sin x को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot x dx इज इक्वल टू dz, राइट। तो देखिए इस फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड, कॉटेक्स क्या है, कॉटेक्स हो गया जेड, ओके, और log sin x dx क्या हो गया, ये हो गया आपका डी जेड। ओके, सॉरी सॉरी, ये जो log sin x है ये हो गया जेड। ओके, एंड कॉटेक्स डीएक्स जो बच रहा है, कॉटेक्स डीएक्स देखिए यहाँ पे, कॉटेक्स डीएक्स हो गया dz। ओके, ध्यान से करना है इसको, मैं वीडियो, आप लोग वीडियो को यहीं पे पॉज करके क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ये तो आराम से आप कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।